हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की मैथ, जिसका हमने आज चैप्टर फर्स्ट लिया है। चैप्टर फर्स्ट का हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, तो प्लीज उस वीडियो को आप पहले देख लें। यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने ये सारा डिटेल से समझा के रखा है, तो यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये एल्गोरिदम क्या होती है। एल्गोरिदम यानी क्या होता है, किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। यानी आपको जैसे कि कोई भी क्वेश्चन लिया और उसके बाद क्या करेंगे, आप उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या हो गया, एल्गोरिदम हो गया। इसको समझने के लिए हम एक डिवाइड का क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया कि मान लो कि 9 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। इसे 2 से डिवाइड करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, पहले इसका 4 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, यानी कि आप इसका 4 टाइम्स पहाड़ा पढ़ रहे हैं। तो 4 टाइम्स इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या जाएगा, ये 2 4 8 जाएगा। और फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, आप माइनस कर रहे हैं, यानी कि आप पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, 4 टाइम्स पहाड़ा पढ़ रहे हैं, और सेकंड स्टेप में जाएंगे तो क्या कर रहे हैं, आप इसका माइनस कर रहे हैं। माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, हमें 1 प्राप्त हो गया। यानी कि हम इस डिवीजन के क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। अब आते हैं ये एल्गोरिदम, तो हमें समझ में आ गई कि क्या है ये, किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। इसके बाद डिवीजन क्या है, डिवीजन यानी डिवाइड करना, और तो डिवाइड करना हम सीख ही चुके हैं। और ये क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम। इसका पूरे का मतलब क्या है कि इस डिवाइड के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, यानी हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया। इसके बाद आते हैं क्या है ये यूक्लिड। तो यूक्लिड क्या है, जिन्होंने इस मेथड को दिया, यानी जिन्होंने इस मेथड को दिया उन्हीं के नाम पर ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम नाम रख दिया गया। यूक्लिड ग्रीक के थे, एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इस मेथड को दिया, इन्हीं के नाम पर ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम नाम रख दिया गया। तो इन्होंने कौन सी मेथड दिया, तो चलिए अब इसे सीखते हैं। इनके अनुसार मान लो कि ए और बी कोई दो संख्याएं हैं, जो कि ए बड़ी है बी से, यानी ए ग्रेटर देन है बी से। तो आप क्या करेंगे, जब ए ग्रेटर देन बी से है तो आप क्या करोगे, ए को बी से डिवाइड करोगे। आप इस ए को जब बी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, कोसेंट। इसके बाद यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, आपको रिमाइंडर। तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू बी क्यू, यानी ये वाला बी ये क्यू और प्लस में आर। ये आपकी क्या हो गई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की ये मेथड हो गई, यानी ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की क्या हो गई, ये प्रॉपर्टीज हो गई। इसकी एक और शर्त है, क्या है कि जो ये आपका आर है वो हमेशा क्या है, बी से छोटा होना चाहिए। यानी इस बी से हमेशा आर छोटा होना चाहिए, लेकिन जीरो से बड़ा या तो बराबर हो सकता है। ये क्या है, ये इनकी शर्त है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, और जिसकी शर्त क्या है, ये कि आर जो है यानी रिमाइंडर बी से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए या तो फिर बराबर हो सकता है। एक चीज और आप इसमें समझिए, जो आपका ये क्यू होता है वो क्या होता है, ये कोसेंट होता है। कोसेंट होता है, आप इस ये क्या होता है, कोसेंट होता है, यानी हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं, ये भागफल होता है। और ये बी क्या होता है आपका, ये भाजक होता है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, भाजक, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर। यानी ये क्या होता है, डिवाइजर। और ए आपका क्या होता है, ए होता है डिविडेंट, डिविडेंट यानी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, भाज्य। आर क्या होता है हमारा, रिमाइंडर, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं शेष फल। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, इसी प्रॉपर्टीज का आगे यूज होने वाला है, यानी इसी के माध्यम से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप इस प्रॉपर्टीज को इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले एग्जाम्पल में यदि आप पुट करें तो क्या होगा, ए हमारा क्या होता है, ये 9
9 क्या है हमारा A और ये क्या है Q और ये 2 क्या होता है हमारा B और ये 1 क्या हो गया ये हमारा R हो गया। तो इसमें आप यदि पुट करेंगे तो क्या होगा A 9 इक्वल टू B हमारा क्या है 2 और Q क्या है हमारा 4 और प्लस R यानी रिमाइंडर तो 1। तो यदि इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 8 प्लस 1 यानी ये प्रॉपर्टीज हमारी सॉल्व हो चुकी है, ये मेथड हमारी सॉल्व हो चुकी है। LHS जो है वो RHS के बराबर आ चुका है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की ये मेथड है। तो आई होप इस मेथड को आप आसानी से समझ चुके होंगे। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप पिछले वीडियो को प्लीज देख लें, उसमें हमने पूरा डिटेल से समझा के रखा है। तो आप प्लीज उस वीडियो को पहले देख लें, इसके बाद ही आप क्वेश्चनों को सॉल्व करें। अब अगली चीज हमें सीखनी है कि यूक्लिड जिन्हें डिवाइड करके एचसीएफ निकालने का कौन सा तरीका बताया है। आप डिवीजन मेथड का यूज करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पर इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप एचसीएफ निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। तो चलिए अब सीखते हैं कि इसे कैसे निकालते हैं। यूक्लिड डिवीजन फॉर एचसीएफ यानी एचसीएफ यानी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ यानी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं फैक्टर से। फैक्टर क्या होते हैं हमारे, इस चीज को हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो कि 8 और 12 दो संख्याएं जिसका हमें क्या करना है, जिसके हमें क्या करना है फैक्टर मालूम करना है। तो 8 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जो 8 को पूरी तरह विभाजित कर दे। यानी किसी संख्या से यदि हमने 8 को डिवाइड किया तो यदि 8 पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 8 का वो फैक्टर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या 1 क्या हो गया, हमारा 8 का फैक्टर हो गया। इसके बाद क्या आता है 2, यानी 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है 4 और इसके बाद 8 स्वयं आ जाता है, यानी ये 8 के क्या हो गए फैक्टर हो गए। इसके बाद आते हैं हम 12 में, तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 तो होगा ही, इसके बाद ये 2 भी इसका 12 का फैक्टर है और क्या है 3 भी है, क्योंकि 3 से भी 12 डिवाइड हो जाता है। इसके बाद क्या आएगा 4 और इसके बाद क्या आएगा 6, इसके बाद 12 स्वयं आ जाएगा। यानी 8 और 12 के ये क्या हो गए फैक्टर हो गए। तो आई होप आप फैक्टर समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं कॉमन में, तो कॉमन क्या चीज होती है, आप इस चीज को देखिए कि इसमें कॉमन क्या है। तो ये 1 कॉमन है, यानी दोनों में कॉमन 1 है और क्या है 2 है, इसके बाद क्या है 4 है। तो आप आते हैं इसमें हाईएस्ट में, तो इसमें देखिए जो फैक्टर है तो 1 2 4 1 2 4, इसमें देखिए कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो कौन सा है ये 4 है, तो ये क्या हो गया हाईएस्ट हो गया। तो ये पूरा मिलाकर क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी क्या हो गया ये हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ किसका हो गया, 8 और 12 का, ये एचसीएफ हो गया। कौन सा हो गया, ये हमारा 4 हो गया। एचसीएफ आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं कि यूक्लिड जी ने एचसीएफ निकालने का कौन सा मेथड दिया है। तो इसे समझने के लिए हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 8 और 12 का। तो मान लो कि 8 और 12 लिया और इसमें यूक्लिड डिवीजन फॉर एचसीएफ का हमें यूज करना है। तो क्या है, जो 12 है वो 8 से ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे 12 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो 12 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या जाएगा 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसके बाद हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर रिमाइंडर में 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अनुसार हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमें रिमाइंडर में 0 प्राप्त ना हो जाए। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, स्टेप फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन की ये वाली प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब स्टेप फर्स्ट में इसी के अनुसार हम इसको पुट कर देते हैं। तो ए हमारा क्या है 12 है और बी क्यू, बी हमारा क्या है 8 है और यहाँ पर क्यू क्या है 1 है और रिमाइंडर हमें क्या प्राप्त हुआ है 4 प्राप्त हुआ है। तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या प्राप्त हुआ है, इस चीज को यदि आप सॉल्व करोगे 8 में 1 का मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा प्लस 4 यानी यहाँ पर हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। अब स्टेप 2 में हमें जाना है, हमें तब तक इसे डिवाइड करना है जब तक कि हमें रिमाइंडर में 0 प्राप्त ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब
आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि 8 ने 12 को पूरी तरह डिवाइड नहीं किया, इसलिए हम अब 8 को डिवाइड करेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे किससे? जो हमें रिमाइंडर 4 प्राप्त हुआ है। तो अब इसे डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। यानी स्टेप 2 में हमें 0 प्राप्त हो गया। अब यानी हमारा क्या यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम सॉल्व हो चुकी है और हमें SCF भी प्राप्त हो चुका है। तो इसमें SCF कैसे जानेंगे कि इसमें SCF हमारा कौन सा है? जस्ट जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाएगा, जस्ट उससे पहले वाला यानी भाजक जो आपका डिवाइजर है वही आपका क्या होता है, SCF होता है। यानी 8 और 12 का SCF क्या आ गया, 4। आप इधर भी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पहले इसी मेथड के यूज करके हम क्या करते थे, SCF निकालते थे, पर हमें अब ऐसे नहीं निकालना। अब हमें यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज करके हमें ऐसे SCF निकालना है। तो आपको स्टेप 2 में क्या किया, आपने जो किया वही आपको यहाँ पर लिख देना है। स्टेप 2 में अब हमें वैल्यू पुट करनी है, तो इसके अनुसार हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप 2 में हमारा 8 क्या हो गया, A हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 8 इक्वल टू, और यहाँ पर B कौन सा हो गया, ये 4 हो जाता है, ये 4। और इसके बाद क्या आया, यहाँ पर 2, क्यों क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लस, और रिमाइंडर यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये 0, ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका। आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो 4 2 8 प्राप्त हो जाएगा, यानी आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी सॉल्व हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने जो किया वो यहाँ पर लिख दिया और सेकेंड स्टेप में जो किया वो यहाँ पर लिख दिया। बस आपको ऐसे ही इसे सॉल्व करना है। तो आप इसे समझ चुके होंगे कि ये हमारी क्या है, यूक्लिड डिवीजन फॉर SCF है। यानी हमको SCF कैसे निकालना है, इस मेथड का यूज करके निकालना है, ये वाली मेथड का यूज करके निकालना है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके लिखना है। चलते हैं अब क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF। यानी आपको SCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या है, 135 एंड 225। तो चलिए अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो 1/3 क्या है हमारे पास, 135 और क्या है, 225। तो आप इन दोनों संख्याएं में देखिए कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 225। तो आप क्या करेंगे, यानी 225 135 से बड़ी है, तो आप 225 को 135 से डिवाइड करोगे। तो चलिए आप डिवाइड करते हैं इसे, 225 को 135 से डिवाइड करें तो ये कितनी टाइम जाएगा। यदि आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है कि 135 का हम पहाड़ा कैसे पढ़ें, तो आप इसमें एक चीज एज्यूम कर सकती हो। आप क्या करोगे, आपको 13 का पहाड़ा तो आता है, तो आप क्या करोगे, पहली वाली संख्या को छोड़ दोगे। यानी मान लो कि ये यहाँ पर नहीं है, या कि अपने हाथ से आप इसे ढक लो और इसकी एक वैल्यू यहाँ पर भी छोड़ दो, यानी इसको भी आप ढक लो। अब आप 13 का पहाड़ा पढ़ो कि 22 से ज्यादा ना हो, तो आप 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यदि 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 26 आएगा, यानी 22 से ज्यादा हो जाएगा। तो यदि इसमें आप इसका भाग देते तो क्या करते, 13 का यदि 22 में भाग देते तो क्या करते, 1 टाइम पहाड़ा पढ़ते। तो आपको यही करना है, अब 135 में जाना है आपको और 225 में जाना है, यानी इसका भी पहाड़ा जो है आप एक बार पढ़ेंगे तो ही जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये अधिक हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 135 का 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 135। इसके बाद माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, और आप देखिए यहाँ पर हमको क्योंकि 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार तब तक इसे सॉल्व करना है जब तक कि हमें क्या ना प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त ना हो जाए, तभी तक हमें इसे सॉल्व करेंगे। तो आपने फर्स्ट स्टेप में जो भी किया उसे पहले आप यहाँ पर लिख ले, स्टेप फर्स्ट क्या, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, 225 को डिवाइड किया 135 से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज के अनुसार आप इसे पुट करें, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, स्टेप फर्स्ट में a हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया a, और ये क्या होता है b, और ये क्या होता है q, और ये क्या हो जाता है r, फर्स्ट स्टेप में। तो आप इसमें आप पुट करें तो a क्या हो जाता है हमारा, 225 इक्वल टू क्या आएगा, बी क्यू, यानी बी क्या है हमारा, 135 इंटू क्यू, क्यू क्या है 1, प्लस में क्या है, रिमाइंडर हमारा क्या है, 90।
इसके बाद चलते हैं अब सेकंड स्टेप में, क्योंकि हमें रिमाइंड तब तक सॉल्व करना है जब तक कि हमें रिमाइंडर जीरो प्राप्त नहीं हो जाता। तो आपको इस चीज से समझना है कि इस 35 ने इसे पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया, इसलिए अब हम 135 को ही डिवाइड करेंगे, और किससे करेंगे, जो हमें रिमाइंडर प्राप्त हुआ था। तो अब जो अभी तक रिमाइंडर था, अब सेकंड स्टेप के लिए हमारा ये क्या बन गया है, डिवाइजर बन चुका है, और 135 यहाँ पर क्या बन चुका है, डिविडेंड बन चुका है। तो आप इसे सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, यदि 90 का पहाड़ा पढ़ें तो कहां तक जाएगा ये, यदि आपको 90 का पहाड़ा नहीं आता तो आपको क्या करना है, एज्यूम करना है, आप इसका जीरो छोड़िए और इसका आप 5 छोड़िए, तो क्या जाएगा, 9 के यदि 13 में पहाड़ा पड़ते तो कितना जाता है, 1 टाइम जाता, तो हमारा 90 भी क्या करेगा, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम पहाड़ा पढ़ेंगे इसका तो क्या आएगा यहाँ पर 90, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 5, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 45। तो यानी सेकेंड स्टेप में हमने जो किया उस चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। स्टेप टू में हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा ए क्या बन गया, 135 बन गया, 135 हमारा क्या हो गया, 1 बन गया। इसके बाद क्या है, ये हमें 90, ये क्या हमारा बी है, और क्यू क्या है, ये 1 है, तो 1 हमने लिया, और प्लस में क्या है 45, ये हमारा क्या है रिमाइंडर। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद क्योंकि अभी हमें रिमाइंडर जीरो प्राप्त नहीं हुआ, तो इसके बाद हम थर्ड स्टेप भी करेंगे। तो अब आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये अभी तक जो 90 सेकंड स्टेप में क्या बन चुका था, डिवाइजर बन चुका था, तो अब वहां यहां पर क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब इस क्योंकि इस 90 ने 135 को पूरी तरह डिवाइड नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं, अब 90 को ही डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, जो हमें रिमाइंडर प्राप्त हो गया था, क्या प्राप्त हो गया था, 45। अब 45 का पहाड़ा पढ़ें कि 90 से ज्यादा ना हो, तो क्या, तो कितनी टाइम पढ़ेंगे, 2 टाइम पढ़ेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर रिमाइंडर में 0 प्राप्त हो चुका है, बस हमारे यहीं पर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हो चुका है, तो 0 से जस्ट पहले वाला डिवाइजर हमें हमारा क्या होता है, SCF होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, SCF हो गया। तो स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, स्टेप थर्ड को आप यहाँ पर लिख लीजिए, क्या है, यहाँ पर हमारा ए क्या हो जाता है, 90 हो जाता है, और यहाँ पर हमारा बी क्या हो जाता है, 45, और क्यू क्या हो जाता है, 2, और प्लस में 0 जो हमें रिमाइंडर प्राप्त हुआ, यानी तीसरे स्टेप में हमें 0 प्राप्त हो चुका है। आपने इसे स्टेप बाय स्टेप लिख लिया, बस हमारा यही आंसर हो गया। अब जो तीसरे स्टेप में ये हमारा जो ये 45 प्राप्त हुआ है, यही हमारा क्या होता है, SCF होता है, यानी 0 से जस्ट पहले वाला जो आपका डिवाइजर होता है, यानी भाजक होता है, जो इसे क्या बोलते हैं, भाजक। तो जो 0 से जस्ट पहले वाला जो भाजक होता है, वही हमारा क्या होता है, SCF होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसे आपको लिखना कैसे है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इसे ऐसे लिखेंगे और हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे। ये आपको अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अब क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का ही जो सेकंड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 196 एंड 38220, तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है, यानी 38220 ग्रेटर देन है 196 से, यानी हम 38220 को डिवाइड करेंगे किससे, 196 से। तो आप 196 का पहाड़ा पढ़ें कि 382 से आगे ना जाए, तो कितनी टाइम पढ़ेंगे, 1 टाइम पढ़ेंगे, 2 टाइम पढ़ेंगे, तो ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद क्या करें, आप माइनस करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर 6, इसके बाद क्या आएगा 8, और इसके बाद यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि ये इसमें कैरी चली गई, तो 2 में से 1 गया 1। इसके बाद हमारा अभी क्या बचा हुआ है, 2 और 0 बचे हुए हैं, तो 12 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 196 का पहाड़ा पढ़ें कि 1862 से ज्यादा ना हो, तो कितने टाइम जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1764, क्योंकि 10 टाइम में ये अधिक हो जाएगा, 1960 बन जाएगा ये। अब माइनस करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 में से 4 गया तो 8, इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पर 0 और 0, क्योंकि इसने एक कैरी इसको दे दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या 0 बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये 0 यहाँ पर कट कर दें ताकि आपको परेशानी ना हो।
अब आप 196 का पहाड़ा पढ़ें कि 980 से अधिक ना हो, तो कितने बार पढ़ेंगे आप इसे? 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 980। अब हमें रिमाइंडर में क्या प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया, बस हो गया, हमारा SCF सॉल्व होके आ चुका है। यानी इतनी जो प्रोसेस आपकी चली वो स्टेप फर्स्ट की ही चल रही थी। ये पूरी प्रोसेस, क्योंकि इतनी बड़ी हमें वैल्यू दी गई थी, वही वैल्यू नीचे आती गई है, हमने कोई अदर से वैल्यू नहीं ली। यानी एक बार में ही ये 196 ने इसे पूरी तरह डिवाइड कर दिया और हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, यानी रिमाइंडर हमें 0 प्राप्त हो चुका है। बस तो हमें स्टेप फर्स्ट में हमें लिखना कैसे है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अनुसार हमें पुट करना है वैल्यू, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें आपको पुट करें तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर a हमारा क्या है? a हमारा ये है, और ये क्या है? b, और ये क्या है? q, और ये क्या है? r। यानी b क्या है? हमारा भाजक यानी डिवाइजर, और a क्या है? डिविडेंट यानी क्या है ये? भाज, और ये q कोसेंट है यानी भागफल, r क्या है? आपका रिमाइंडर यानी शेषफल। तो हमारा a क्या है? 38220। इसके बाद क्या करना है? b हमारा क्या है? 196, और q क्या है? 195, प्लस में r क्या है हमें? 0। यानी स्टेप फर्स्ट में ही ये हमारा सॉल्व हो चुका है। और SCF हमें क्या मिलेगा? जो 0 से पहले वाला डिवाइजर होता है यानी भाजक होता है। तो 0 से पहले वाला भाजक कौन सा है हमारा? ये 196 है। यानी 196 ने स्टेप फर्स्ट में ही इसे पूरी तरह डिवाइड कर दिया, यानी रिमाइंडर 0 ला दिया। बस हमारा स्टेप फर्स्ट में ही ये सॉल्व हो चुका है। और इसे लिखना कैसे है आपको? ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है, आपको लिखना कैसे है ये इंग्लिश वालों के लिए और ये हिंदी वालों के लिए। तो आप इसे, मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। आप इसे बाद में लिख सकते हैं चाहे तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट ए का ही, यानी क्वेश्चन फर्स्ट का ही ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा? 867 and 255। तो इन दोनों वैल्यूओं में बड़ी कौन सी है? यानी 867 ग्रेटर देन है 255 से। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, यानी 867 को डिवाइड करेंगे किससे? 255 से। तो अब आप 255 का पहाड़ा पढ़ें कि ये इसे 867 से अधिक ना हो, तो ये कितनी टाइम जाएगी? ये 3 टाइम जाएगा, और वैल्यू क्या आएगी? 765। माइनस करें तो क्या आएगा? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? 1। ये यहाँ पर 7 है। अब देखिए यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? इससे आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप स्टेप फर्स्ट को यहाँ पर लिख लीजिए। स्टेप फर्स्ट क्या प्राप्त हुआ हमें? ए हमारा क्या है? 867 इक्वल टू बी क्या है? 255 इनटू में क्या है? 3, ये क्यू है आपका, और प्लस रिमाइंडर आपका क्या है? 102। यानी स्टेप फर्स्ट में ये हमें प्राप्त हो चुका है। अभी हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? इसका अगला स्टेप सॉल्व करेंगे। आप इसे ऐसे समझिए कि इस 255 ने इसे पूरी तरह डिवाइड नहीं किया, इसलिए अब हम 255 को डिवाइड करेंगे। तो आप इसे डिवाइड करें तो 102 का आप पहाड़ा पढ़ें कि 255 से ज्यादा ना हो, तो कितनी बार पढ़ेंगे आप? 2 टाइम पढ़ेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर? 204 आएगा। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? 5। अब देखिए अभी यहाँ पर भी हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? अब इसके अगले स्टेप में जाएंगे। तो पहले आप स्टेप 2 को आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर a हमारा क्या हो गया? 255 इक्वल टू b, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 102। इसके बाद क्या आ गया? 2, ये q है, और रिमाइंडर में हमें क्या प्राप्त हुआ? 51। स्टेप 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? स्टेप 3 में जाएंगे। तो स्टेप 3 के लिए क्या करेंगे आप? अब किसे डिवाइड करेंगे? 102 ने इसे पूरी तरह डिवाइड नहीं किया, इसलिए हम 102 को डिवाइड करेंगे पूरी तरह। तो क्या करेंगे आप? 51 का आप पहाड़ा पढ़ें कि 102 से अधिक ना हो, तो कितनी टाइम पढ़ेंगे ये? इसे 2 टाइम्स पढ़ेंगे, तो ये यहाँ पर 102 प्राप्त हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह 0 प्राप्त हो गया, यानी ये हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। तो क्या हुआ हमने स्टेप 3 में? हमने क्या किया यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर a हमारा क्या है? 102 इक्वल टू
बी क्या है हमारा 5 1 और मल्टीप्लाई ये क्यू है हमारा 2 और प्लस रिमाइंडर 0। बस हमारा क्या हो चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब 0 से जस्ट पहले वाला हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 51। 51 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया ये वाला 51। अब इसे आप लिखेंगे कैसे, हमने इसे आपको समझा दिया है, आप अपने तरीके से इसे आप लिख सकते हैं। कैसे आपको लिखना है ये आप देख सकते हैं, इसे क्लियर कर देती हूं मैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 आर 6q+3 आर 6q+5 फेयर क्यू इज सम इंटीजर। हिंदी में क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि 1, 3, 5 ऐसे करके आपके सभी ये क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं। तो आपको प्रूव करना है कि किसी भी ऑड इंटीजर को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया 11/2, यानी 11 को 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप इसे डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। इसके बाद रिमाइंडर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है Q और ये होता है B और ये होता है क्या, A और ये होता है R। तो इसको लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब मान लो कि आपको यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर 5 दिया गया है और यहाँ पर आपको 1 दिया गया है और इस a की वैल्यू नहीं दी गई है, तो क्या आप इसे निकाल सकते हो? जी बिल्कुल निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से। इसे कैसे निकालोगे आप, bq plus r मतलब ये हमारा b है, तो कैसे लिखोगे आप, b q हमारा क्या है 5 plus 1। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10 प्लस 1 यानी 11। आपको यहाँ पर a की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। इस क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू नहीं दी गई थी तो हमने a यहाँ पर निकाल लिया। अब मान लो कि आपको यहाँ पर a की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर q की वैल्यू नहीं दी गई और यहाँ पर रिमाइंडर में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10। तो आप क्या q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, 11 इक्वल टू ये क्या हो गया आपका a और 2 और यहाँ पर क्या है, q प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे, 11 है इधर माइनस 1 लाएंगे और इधर क्या आ जाएगा, 2q। इसके बाद यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 2q और 2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 10/2 और ये q ये 5 यहाँ पर, यानी हमें 5 वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। तो अब आते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमारे क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो शर्त क्या होती है, जो r की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन b से होती है, यानी इस वाले b से डिवाइजर से हमेशा r यानी रिमाइंडर छोटा होता है। और यहाँ पर जो r की वैल्यू दी गई है, यदि आपको ना दी गई होती तो इसे कैसे आप एज्यूम करते, r की वैल्यू जो होती है हमेशा b से छोटी होती है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें कि b क्या है हमारा, 2 है, तो आपका r क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया है तो हमें 1 प्राप्त हुआ है, तो इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन सकता है, b क्या है हमारा 2 है और q, यदि मान लो q की वैल्यू आपको ना दी गई होती तो इसे कैसे लिखते, 2q प्लस r, r क्या है हमारा 1 है। अब आप देखिए क्वेश्चन में ध्यान से कि क्या आपका क्वेश्चन ये 6q+1 कुछ ऐसे इस फॉर्म में है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन में और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर क्या है, 6q+1 यानी जो 6 है तो वो क्या है, वो b की वैल्यू है। ये आप देखिए यहाँ पर 6q+3 ये भी b की वैल्यू है और ये भी b की वैल्यू है। यदि आपको b इक्वल टू 6 दिया गया है तो इसके रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि b से r हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, तो क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1
2, 3, 4 और 5, यानी ये हो सकते हैं 5 तक। तो हमें b इक्वल टू क्या दिया गया, 6, r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर क्या होता है, आर जो कि हमेशा क्या होता है बी से छोटा, और आर है वो तो या तो जीरो से बड़ा या तो उसके बराबर हो सकता है। अब इस फॉर्म में हमें पुट करना है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 क्यू और प्लस आर। आर की वैल्यू हमें पहली क्या दी गई है, 0, तो 0 हो सकता है। इसके बाद क्या है, 6 क्यू प्लस आर क्या है, 1। इसके बाद क्या आएगा, 6 क्यू प्लस 2। इसके बाद आएगा 6 क्यू प्लस 3। इसके बाद 6 क्यू प्लस 4। इसके बाद 6 क्यू प्लस 5। यानी इतने फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑड इंटीजर है और कौन सा नहीं है। तो इसे क्या, जीरो से कोई मतलब नहीं है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 6q। अब आप इसमें देखिए, 6q में क्या आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यदि इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 3q। अब देखिए इसे, ये 2 की टेबल में आ रहा है, यानी 2 का ये मल्टीपल है तो ये 2 की टेबल में आएगा। तो ये 2 से डिवाइड होगा, यानी ये क्या है, इवन नंबर है। ये क्या है आपका, इवन नंबर है, यानी सम है। इसमें सेकंड में जाइए और देखिए कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो इसमें देखिए आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड क्या है, 6q+2। तो इसमें से क्या आ रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, और तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3q+1। यानी ये भी 2 के मल्टीपल में आ रहा है, यानी 2 के टेबल में आ रहा है, तो ये भी क्या है, इवेन है, यानी ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये भी क्या है, इवेन है। इसके बाद चलते हैं 6q+3 में। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अभी इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद चलते हैं 6q+4 में। तो देखिए आप, इसमें भी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 3q+2। कॉमन लेने के बाद आप मल्टीपल करके देख भी सकते हैं, आपको यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी इवेन नंबर होगा। अब देखिए 6q+5 को, तो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आपका इवन हो गया, ये भी इवन हो गया, ये इवन हो गया, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और अब आपके बचे कौन से हैं, ये तो तीनों आपके क्या हो गए, इवन हो गए। तो बचे कौन से हैं, 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों 6q+5, ये क्या हो जाएंगे, आपके ऑड इंटीजर हो जाएंगे। बस आपको यही प्रूव करना था। अब आप इसे लिखेंगे कैसे, मैंने तो आपके इसे समझाया है, आपको लिखने कैसे है इसे, आप ये इंग्लिश वाले ये देख सकते हैं और हिंदी वाले ये देख सकते हैं। मैं इसे क्लियर कर देती हूँ तो आपको सही से दिखाई देने लगेगा, ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें आप मार्च कर सकते हैं। यानी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड की टुकड़ी आगे आगे चल रही है, उसके पीछे क्या है, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी चल रही है, और इसमें दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो आपको स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है। अधिकतम संख्या बतानी है मतलब आपको एससीएफ निकालना है। यदि आप एससीएफ निकाल देंगे तो अधिकतम संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे इसे, तो आपके पास संख्या कौन कौन सी है, 616 और क्या है, 32। इसमें से आप देखिए कि ग्रेटर कौन है, तो क्या है, 616। अब क्या करना है आपको एससीएफ निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे आप इसे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। तो
तो आप क्या करोगे, 616 को 32 से डिवाइड करोगे। तो आप इसमें डिवाइड करिए और देखिए कि कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स में अधिक हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, तो आप 1 टाइम ले जाओगे, तो 1 टाइम में क्या आएगा यहाँ पर 32, माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पर क्या आएगा 2, ये 6 नीचे आ जाएगा। इसके बाद आप 32 का पहाड़ा पढ़ो कि 296 से अधिक ना जाए, तो कितने टाइम जाएगा ये 9 टाइम जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 288 आ जाएगा। माइनस करो तो क्या आएगा यहाँ पर, ये इससे एक हासिल लेगा यानी कैरी लेगा, तो क्या बनेगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। आप देखिए, आप यहाँ पर संख्या भी नहीं बची आपको, और यहाँ पर हमें अभी 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले आपका ये फर्स्ट स्टेप है, तो आप इसे फर्स्ट स्टेप में लिख लीजिए, स्टेप फर्स्ट। तो इसे कैसे लिखोगे आप, 616 बराबर में क्या है 32 into 19, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर। तो आपने ये रिमाइंडर लिख लिया, यानी फर्स्ट स्टेप आप सॉल्व कर लिए। इसके बाद ये आपको रिमाइंडर में 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, इसके आगे सॉल्व करोगे। तो आप आगे कैसे सॉल्व करोगे, आपको जो ये रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, इससे किसको डिवाइड करोगे, 32 को। यानी 32 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया, तो हम 32 को डिवाइड कर रहे हैं। 32 को 8 से डिवाइड करना है, तो ये 8 के कितने मल्टीपल में जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 32। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर रिमाइंडर में हमें 0 प्राप्त हो चुका है। तो बस हमारा ये सॉल्व हो चुका है, और हमें तंबू की अधिकतम संख्या प्राप्त हो चुकी है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 0 से जस्ट पहले वाला जो क्या होता है भाजक, यानी क्या होता है डिवाइजर, तो क्या होता है यही आपका एचसीएफ होता है। एचसीएफ 8 मिल गया, यानी यही आपकी स्तंभों की संख्या हो गई। इसे स्टेप 2 के लिए सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्टेप 2 में a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 32 इक्वल टू b क्या है 8, q क्या है आपका 4, और रिमाइंडर क्या है आपका 0, यानी ये सॉल्व हो चुका है। ये हमारा सॉल्व हो चुका है, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है। कितनी प्राप्त हुई हमें, 8 प्राप्त हो चुकी है। अब आपको इसको लिखना कैसे है, तो आप इंग्लिश वाले ऐसे और हिंदी वाले ऐसे, इधर मैं क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m or 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। हिंदी में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि कोई भी आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसका स्क्वायर करके आपको प्रूव करना है कि वो इंटीजर 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ पर b की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। तो आपके रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1 और 2, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो b से हमेशा छोटा होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में कैसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, BQ+1। तो आपको इस फॉर्म में कौन कौन सी वैल्यू मिल सकती है, b क्या है 3, q और प्लस 0, ये वाला 0 आपको पहली वैल्यू मिल गई क्या 3q+0। दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, 3q+1, और फिर इसके बाद क्या मिलेगी, 3q+2। आप ये देखिए, आपको ये 3 वैल्यू प्राप्त हो गई। तो 3q+0 को आप 3q लिख सकते हैं। स्क्वायर करना है तो आप इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 9q2। 9q2 में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 3q2। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो आपका q है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, यानी यहाँ पर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट करेंगे, 1, 2, 3 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, और वो नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि इंटीजर क्या है, हमारा m है। तो यानी हम 3q2 को m लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटीजर प्राप्त होगा,
और हमारा इंटीजर क्या है, m है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 की स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दी, m ले ली। इसके बाद आते हैं 3q+1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा फार्मूला पुट हो रहा है, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारा क्या हो गया 3q, b हो गया 1। तो इसे अब सॉल्व करते हैं तो 3q का होल स्क्वायर क्या आएगा, 9q स्क्वायर। इसके बाद b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। अब 2ab को आप देखिए, 2a क्या है 3q और b क्या है 1, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6q। अब यहां पर आप 6q लिख दीजिए। इसमें देखिए 9q स्क्वायर और 6q में हमें क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। तो आप इसमें इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये हमारा अभी 1 बचा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं q की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। तो यानी यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें नंबर प्राप्त होगा, वो नंबर क्या कहलाएगा, हमारा इंटीजर होगा। और यहाँ पर इंटीजर को m से दर्शाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3m+1। इसके बाद आते हैं हम थर्ड वैल्यू में, तो थर्ड वैल्यू को हम स्क्वायर करेंगे और तो थर्ड वैल्यू में a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पुट करने पर यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, 3q का होल स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर। इसके बाद b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पर, 4। इसके बाद क्या करेंगे, 2ab, तो आप देख सकते हैं 2 और a क्या है हमारा 3q और b क्या है हमारा 2। तो यहाँ पर आप देखिए 2 2 4 और 3 12, तो यहाँ पर क्या आ गया, 12q। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 12q। अब इसमें आप देखिए कि इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे इन तीनों में से, तो क्या आ सकते हैं पर 3 कॉमन के रूप में, 3q स्क्वायर प्लस इस 12q में से 3 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या आएगा, 4q। और जो यहाँ पर 4 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि यदि हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 और बाहर क्या लिख लेते हैं, 1 1। तो यदि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 और फिर प्लस 1 कर देंगे तो हमें 4 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, ये हमारा कोई इंटीजर होगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंटीजर को हम m से लिखेंगे तो ये m हो गया और ये यहाँ पर 1 हो गया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो हमें कौन कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी, 3m+1 के रूप में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और उसका स्क्वायर करने पर हमें क्या वैल्यू, किसके रूप में वैल्यू प्राप्त होगी, 3m+1 के रूप में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को आपको लिखना कैसे है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको ऐसे लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इसमें क्या दिया गया है, आपका लेमा। तो लेमा क्या है, हमने आपको पिछले वीडियो में डिटेल से समझा के रखा है। लेमा हमारा क्या होता है, एक पहले से साबित हो चुकी कोई स्टेटमेंट जिसका यूज करके हम दूसरे स्टेटमेंट को साबित करेंगे, यही हमारा लेमा होता है। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेकर और उसको क्यूब करना है और साबित करना है कि वो 9m और 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि कोई इंटीजर लिया 3, यानी b की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो हमारे r क्या हो सकते हैं, 0, 1 और 2। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम इसे किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q+0, 3q+1, 3q+2 के रूप में। अब यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, 3q। हमें क्योंकि क्यूब करना है तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 27 क्यूब।
यदि हम इसमें से 9 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पर 3q। अब देखिए आप यहाँ पर q की वैल्यू जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। तो यदि हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सॉल्व होके एक नंबर प्राप्त होगा जो कि क्या होगा इंटीजर। और यहाँ पर इंटीजर को किससे दर्शा सकते हैं, m के रूप में। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 9m। इसके बाद आते हैं सेकंड, हमारा क्या है 3q+1, इसका क्यूब करना है। तो आप यहाँ पर कौन सा फार्मूला पुट होगा, a+b के होल क्यूब का। तो a+b के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³+b³+3a²b+3ab²। a+b के होल क्यूब का एक और फार्मूला होता है, कौन सा होता है, a³+b³+3ab(a+b)। तो हम इसे फर्स्ट वाले फार्मूले में पुट करते हैं। तो a+b के होल क्यूब के अनुसार 3q+1, ये 3q हमारा क्या हो गया, a हो गया, 1 क्या हो गया हमारा, b हो गया। तो a³ यानी 3 का क्यूब, तो क्या आएगा यहाँ पर 27q प्लस b का क्यूब यानी यहाँ पर क्या आएगा 1। इसके बाद क्या है 3a²b, तो आप इसे लिखिए 3a²b, इसमें पुट करिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3q यहाँ पर स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9q² और यहाँ पर 3 है तो क्या आ जाएगा 27q². तो यहाँ पर क्या आ गया 27q². इसके बाद क्या है 3ab²। 3ab² में वैल्यू पुट करें, 3a क्या है हमारा 3q, बी क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9q, तो प्लस 9q। अब आप इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3q+3q² + q और हमारा 1 बच जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर क्योंकि ये इंटीजर, कोई भी इंटीजर यहां पर पुट करेंगे तो हमें एक वैल्यू प्राप्त होगी यानी नंबर प्राप्त होगा और वो हमारा क्या होगा इंटीजर होगा। तो इंटीजर को हम क्या कर रहे हैं, एम से दर्शा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 9m+1। अब चलते हैं थर्ड में, थर्ड हमारा क्या है 3q+2, इसका क्या करना है आपको, होल क्यूब करना है। तो आपको इस फार्मूले के अनुसार इसे भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27q+54q² + 36q+8। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा क्या है q, ये क्या है q। अब आप इसमें से 9 कॉमन लीजिए, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3q+6q² + 4q + 8 हमारा बच जाएगा। तो ये हमारा क्योंकि इंटीजर है तो इसकी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, m ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9m+8। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई है और यही वैल्यू हमें प्रूव करके दिखानी थी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और यही हमें प्रूव करना था। तो आपको इसको लिखना कैसे है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये समझ में नहीं आए तो प्लीज आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज की लिंक आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।